तो इस कहानी के शुरू में हमें एक अंधेरा जंगल दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा भाग रहा था किसी से डर कर या किसी से बच कर। सीन कट होता है और हमें इसी जंगल के दरमियान से गुजरती एक सड़क पर एक रेड बस दिखाई जाती है। थोड़े ही आगे जाने पर इस बस को एक दरख्त की वजह से अपना रास्ता ब्लॉक मिलता है, इसलिए इस बस ने एक दूसरा रूट ले लिया। ये जाने पर है कि आगे कोई खतरा भी हो सकता है। वहाँ पर हम कुछ स्केलेटन भी देखते हैं और आगे जाने पर सारे दरख्त भी इर्द गिर्द से खत्म हो चुके थे। अचानक ही धुंध ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। बस में बैठे हुए बच्चे भी डर कर बाहर रोड की तरफ देखते हैं, क्योंकि एकदम से ही ड्राइवर को बस रोकनी पड़ी थी। उसने नीचे उतर के देखा तो सामने एक मरा हुआ हिरन था, जिसे वो ठिकाने लगाते ही जैसे ही पीछे मुड़ा तो एकदम से शॉक रह गया। अगले ही मिनट जब वो बस में दोबारा चढ़ा तो हमने देखा कि उसके पीछे कोई आदमी था जिसने बस ड्राइवर को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। वो सब बच्चों को भी धमकी देकर अपनी सीट पर बैठने को कहता है। सभी उसकी बात मानने लगे और एकदम से इसी बस में बैठे हुए एक बच्चे को याद आया कि उसने न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। वो एक सीरियल किलर था और अभी कुछ ही दिन पहले जेल से भागा था। सिर्फ यही नहीं, डरा देने वाली बात ये भी थी कि ये आदमी सिर्फ टीनएजर्स को ही मारा करता था। ये कहने कि वो एक साइकोपैथ है। इस आदमी के कहने के मुताबिक ये लोग सब करते रहे, इन्होंने अपने फोन भी विंडो से बाहर गिरा दिए और ड्राइवर अपनी बस चलाता रहा और चलते हुए ड्राइवर ने एक और साइन बोर्ड मिस कर दिया जिस पर लिखा था कि वो एक मिलिट्री के खाली जोन की तरफ बढ़ रही है। यानी एक ऐसा एरिया जहाँ सालों पहले रिसर्च की गई थी लेकिन अब वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता था। एक टनल थी जिसमें इस टाइम बहुत सी लाइट्स चल रही थी और इस टनल के अंदर एकदम से उनकी बस रुक जाती है। इन्हें मालूम हुआ कि बस का इंजन खराब हो गया है। उस साइकोपैथ किलर को लगा कि ड्राइवर उसके साथ चालाकी कर रहा है, इसीलिए उसने एक बच्चे को गन पॉइंट पे ले लिया और ड्राइवर से कहा चलो उतरो नीचे और मेरे सामने बस ठीक करो। कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। इसी दौरान अचानक इस टनल की लाइट भी चली गई। ये सभी अचानक घबरा गए। एकदम से ही इस अंधेरी टनल में इन्हें खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। किलर ने ड्राइवर को इशारा किया कि जाओ जाकर देखो वहां क्या है। ड्राइवर भी अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो खूब अंधेरी की तरफ बढ़ता रहा उसे एक साया दिखाई देने लगा। करीब जाने पर पता चला वो तो एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर था। ड्राइवर ने डर के चीख मारी और उस मॉन्स्टर ने उसे चेस्ट से पकड़कर मार डाला। अंदर बस में बैठे हुए लोग ये सब कुछ देख रहे थे। वो किलर भी उस लड़की को लेकर जल्दी से बस के अंदर ही आ गया। ये लोग चिल्लाने लगे थे। किलर इन सबसे खामोश रहने को कहता है ताकि वो मॉन्स्टर इन्हें देख ना पाए, सुन ना पाए, और तेजी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर बस की चाबी नहीं थी, वो तो थी अभी तक ड्राइवर के हाथ में जिसे वो मॉन्स्टर मार चुका था। वो इन बच्चों को काम देता है ड्राइवर के हाथ से चाबी लाने का। एक लड़की जैसे ही चाबी लाने के लिए डरते डरते ड्राइवर के पास पहुंची तो उसे देखकर वो शॉक रह गई। वो मर चुका था। लड़की को यकीन नहीं आ रहा था, गम से उसके आंसू निकलने लगे, लेकिन ये रोने का वक्त नहीं था। उसने एहतियात से ड्राइवर के हाथ से चाबी ली और बस में वापिस आ गई। बस में बैठ कर भी उसकी हालत अजीब थी। बाकी बच्चे जब उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वो नाम में सर हिला देते हैं क्योंकि अब वो जिंदा नहीं रहा था। ये सुनकर ये सब बच्चे भी दुखी हो गए। यहाँ अभी किलर वैसे नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन बस तो खराब थी, कैसे स्टार्ट होती। उसे धमकी देता है कि अगर तुमने बस स्टार्ट ना की तो मैं इन सबको मार दूंगा। ये लड़का भी बाकियों से लगाफी जोशीला था। बिना डरे उल्टा इस किलर से ही बहस करने लगता है और मौका पाते ही पीछे से एक बच्चा उसे धक्का दे देता है। वो नीचे गिरा तो रजनी ने एकदम से उसके हाथ से गन छीन ली और फिर उसी के ऊपर पॉइंट कर दी। ये देखकर वो किलर हंसने लगा और उसने बोला तुम नहीं मुझे मार सकते। अरे मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे में नहीं। इससे पहले कि ये बच्चा कुछ कहता एकदम से इस बस की छत से इन्हें आवाज आती है। इस आवाज ने सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और किलर ने दोबारा अपनी गन उनसे छीन ली। अब बस के ऊपर से आने वाली आवाजें भी बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से ये सारे बच्चे डर जाते हैं और गुस्से में किलर बस से उतरता है और चिल्लाने लगता है जो भी हो अंधेरे से बाहर निकलो, मेरा सामना करो। वो यही सब कह रहा था कि एकदम से उसकी बोलती ही बंद हो गई। उसके चेहरे पे अजीब खौफ से भरी मुस्कुराहट आई और एकदम से किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और बस के अंदर से ये देखकर बच्चे बिल्कुल शॉक रह गए। वो खामोश हो चुके थे क्योंकि उन्हें क्रिएचर यानी मॉन्स्टर की एक हाथ में उस आदमी का सर और वो खौफनाक सी दिखने वाली क्रिएचर नजर आ रही थी। उसके हाथ में बहुत सारे टेंटिकल्स थे जो उसने इस आदमी के सर के अंदर धसाए हुए थे। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या करे। ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इस बस के अंदर रहने का ही डिसाइड करते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक इन्हें अपने बस के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई नहीं देने लगी थी। गड़गड़ाती हुई आवाज से बस का दरवाजा खुला और इन्होंने बस की सीट के ऊपर उसी मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ देखे। यानी मॉन्स्टर बस के अंदर आ चुका था जिसे बचने के लिए ये बस के दूसरे डोर से नीचे की तरफ भागने लगे, पर ये दरवाजा नहीं खुला। उनके हाथ में टॉर्च थी जिसका मुंह गलती से जब मॉन्स्टर की तरफ होता है तो ये नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर इस लाइट से डर रहा है। बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए इन्होंने उस मॉन्स्टर को लाइट के जरिए ही दूर रोके रखा कि जितने में इनकी बस का दरवाजा भी खुल गया और ये लोग बस से उतर
दिखाए गए। लाइट को मॉन्स्टर की तरफ रखते हुए ये लोग आगे की तरफ भागते रहे और पहुंचे एक बंकर के अंदर। इस बंकर के अंदर एक रूम भी था जिसपे इस पूरी जगह का एक मैप बना हुआ था, जिसे देख कर ये पता चलाते हैं कि ये एक मिलिट्री बेस है। और अगर ये एक मिलिट्री बेस थी तो यहाँ पर लाइट भी हो सकती थी और कंट्रोल पैनल भी हो सकता था। और अगर इन्हें उस मॉन्स्टर से बचे रहना था तो किसी तरह इन्हें वो कंट्रोल पैनल ऑन करना था जिससे यहाँ की लाइट्स चल जाए और वो मॉन्स्टर इनसे दूर रहे और फाइनली ये लोग बच के जा पाए। ये लोग कंट्रोल पैनल को ढूंढ कर उसे ऑन करने का डिसाइड करते हैं। मैप को रखकर ये एक पूरा प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि आखिर कहाँ पर वो कंट्रोल पैनल हो सकता है। नोलन और इसका साथ ही पावर पॉइंट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जबकि यहाँ पे बैठे हुए ये तीनों अजीबोगरीब तरीके से अपना टाइम पास कर रहे थे। अब कोई नहीं, इन दोनों लड़कों से कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। आखिर वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसे डर लग रहा था, इसीलिए रेजी उसके साथ चला गया। रेजी उसे बातों बातों में तंग किया जा रहा था, इसीलिए अब कोई नहीं उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। काफी देर हो गई, क्वीनी उसकी तरफ जब मुड़ी नहीं तो उसे कुछ अजीब लगा। इसलिए फाइनली उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ क्वीनी थी ही नहीं, उसके तो होश ही उड़ गए। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो यहाँ वहाँ क्वीनी को ढूंढने लगा। उसके दूसरे दोस्त को भी ये बात पता चल गई कि क्वीनी गायब है। ये लोग इस पूरे एरिया में क्वीनी को ढूंढने लगे और आखिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ इन्हें क्वीनी दिख गई। लेकिन इस वक्त क्वीनी के ऊपर एक मॉन्स्टर था, एक भयानक मॉन्स्टर जो बस क्वीनी को गर्दन पे काट कर खाने वाला था। क्वीनी की अपनी हालत तो जैसे बेहोशों की तरह हो गई थी। यहाँ पर रेजी उस मॉन्स्टर को फायर दिखाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि उसका दूसरा दोस्त उसके नीचे से क्वीनी को निकालने में कामयाब हो गया। क्वीनी और वो दोनों तेजी से यहाँ की तरफ बचकर भागने लग जाते हैं। ये सोचे बगैर कि रेजी तो उनके पीछे है ही नहीं, असल में लड़की के हाथ से मिशाल इस मॉन्स्टर ने गिरा दी थी और वो नीचे पानी में गिर कर बुझ गई। और अब मॉन्स्टर बस उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकल कर रेजी के मुंह पे गिर जाती हैं और ये खून था। क्वीनी और उसके दोस्त ने आखिर जब रेजी को देखा तो उनके होश ही उड़ गए। ये लोग अब कुछ कर भी नहीं सकते थे और इससे पहले कि ये मॉन्स्टर रेजी को खा जाता एकदम से यहाँ लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर डर कर रेजी को छोड़कर चला जाता है। और ये लोग समझ आते हैं कि इनके दोस्तों को आखिर जनरेटर मिल ही गया। यहाँ नोलन और उसके साथ ही जिन्होंने ये जनरेटर ढूंढकर ऑन किया था उन्हें ही पास में एक कमरा मिला जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और साथ ही बहुत सारी पिक्चर और नोट्स भी थे। इन नोट्स में सिर्फ इसी क्रिएचर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इस क्रिएचर के ऊपर बहुत रिसर्च की है और फिर जैसे वो इसको मारने में कामयाब नहीं हो पाया। खैर ये सब पढ़ना इनका पॉइंट नहीं था, इनका पॉइंट था कि ये जल्दी से प्लीज कार से निकल जाए। इसीलिए ये पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो इन्हें दूर से एक अजीब सा शैडो दिखाई देता है। ये दोनों डर गए, इन्होंने सांस तक रुक लिया क्योंकि आने वाला मॉन्स्टर भी हो सकता था। पर मालूम हुआ कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि उसके तीनों साथी थे जिनको देखकर ये खुशी से उनके पास चले गए। ये खुशी सिर्फ एक पल की थी क्योंकि अगले ही पल उन्होंने क्वीनी की गर्दन पे एक निशान देखा। वो जख्म था बहुत गहरा जख्म जिसके अंदर से खून निकल रहा था। ये उस मॉन्स्टर के काटने की वजह से हुआ था। ऐसा भी हो सकता था कि अब क्वीनी इन्फेक्टेड होकर उस मॉन्स्टर में बदल जाए। उनमें से कहता है कि शायद हमें क्वीनी को साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कहते, ये क्वीनी को साथ ही रखते हैं। उसके साथ आके क्या होने वाला है इस चीज की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये दोबारा उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पहले उन्हें बहुत से नोट्स मिले थे उस मॉन्स्टर के बारे में। वहाँ पड़े हुए बहुत से नोट्स में से वो एक नोटबुक उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक लड़के की कहानी थी जिसे अपनी बहन के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था। पर ऐसे ही ये लोग एक दिन एक्सप्लोर करते करते इस मिलिट्री बेस तक आ गए। बुलियर का जिसने कहानी लिखी थी वो यहाँ के मैप को गौर से देखता रहा और पीछे ही रह गया, जबकि उसकी बहन आगे आगे बढ़ती रही और एकदम से वो शॉक हो गई जैसे उसे टनल के अंदर कोई अजीब चीज नजर आई हो। पीछे जो उसका भाई खड़ा था वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो अब बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, इससे वो खुद भी डर गया और अंदर जाकर अपनी बहन को बचाने के बजाय वो जंगल की तरफ भागने लगा ताकि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से जा सके। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इस टाइम ये बच्चा तो यहाँ से चला गया लेकिन अब उसके दिमाग में ये इंसिडेंट रह गया था। उसके दिल में ये बात रह गई थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई और अब वो उस चीज से बदला लेना चाहता था जिस चीज ने उसकी बहन को मारा था। सालों गुजरने के बावजूद भी वो कुछ नहीं भूल पाया। उसने इस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च की, उसके बारे में एक एक चीज पता चलाई और फिर प्लान किया कि कैसे वो इस मॉन्स्टर को मार सकता है। उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन तक बना डाली थी लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मार पाता उसकी बुरी किस्मत के मॉन्स्टर ने उसके यहाँ होने का पता चला गया और उसे ही मार डाला। उसी के बनाए नोट से ये लोग ये भी पता चला पाते हैं कि वो मॉन्स्टर जिसके ऊपर हमला कर देता है या जिसका खून चख लेता है उसे मार कर ही रहता है और अब क्वीनी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा था। ये लोग फैसला करते हैं कि क्वीनी को बचाने के लिए ये लोग लड़ेंगे। उस आदमी ने जो काम शुरू किया था उसे ये लोग पूरा करेंगे, उसकी मशीन को ये लोग कम्प्लीट करेंगे और उस मॉन्स्टर को मार देंगे। लेकिन क्वीनी यहाँ कहती है नहीं, मेरी वजह से कोई अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सारे ही दोस्त
बच्चे थे। वो कहते हैं नहीं, हम सारे यहाँ से जिंदा ही बचकर निकलेंगे। ये सोचकर ये सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर एक साथ अपने प्लान पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद ये लोग उस आदमी की बनाई मशीन को मुकम्मल कर भी लेते हैं जो अब पूरी तरह काम कर रही थी। ये देखकर ये लोग बहुत खुश हुए, लेकिन अभी मेन काम बाकी था, उस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाना, जिसके लिए ये लोग एक ट्रैप बनाते हैं। क्वीनी के खून से भीगे हुए कपड़े ये लोग एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि उसे सूखते हुए वो क्रिएचर वहां तक आ जाए। थोड़ी दूरी पर उन्होंने क्वीनी को भी खड़ा किया हुआ था ताकि मॉन्स्टर सही जगह पर आए और ये लोग फिर लाइट चलाकर उसे मार दें। इनके प्लान के मुताबिक वो मॉन्स्टर इनके सामने आया भी। खुशबू सूंघते हुए उसने क्वीनी के कपड़े भी उठाए, लेकिन ये क्वीनी नहीं थी। वो जान गया था ठीक इसी टाइम पर नोलत को वो ट्रिगर नीचे करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रिगर फंस गया और ऐसे मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते हुए उसके पीछे आ गया। इससे पहले क्यों क्वीनी के ऊपर हमला कर देता, ठीक वक्त पर वो लोग उस मशीन का ट्रिगर ऑन कर देते हैं और बहुत सारी लाइट उस मॉन्स्टर पे पड़ने पर मॉन्स्टर क्वीनी को छोड़ देता है। क्वीनी और उसकी दूसरी साथी तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकल आते हैं और यहाँ रेके का साथी तेजी से भागते हुए उस मॉन्स्टर के पेट में स्टैब कर देता है। लेकिन इनकी बदकिस्मती क्या उनके इस वार ने मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब इन लोगों के पास बस यही हल था कि ये लोग अपनी जान बचा कर यहाँ से भागे। हाथों में एक निशान लिए ये लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अब मॉन्स्टर इनके पीछे पीछे था। वो दोनों लड़कियां तो तब की टनल से बाहर निकल गई थी। टनल से बाहर निकलते ही उन्होंने सुकून का सांस लिया और पीछे देखा जहाँ अभी तक उनके दोस्त नहीं आ रहे थे, और अब उनके सामने मॉन्स्टर भी खड़ा था। डर से ये लोग कांपने लगे, लेकिन मॉन्स्टर बाहर नहीं आया क्योंकि बाहर रोशनी थी। इतने में ही पीछे हम उन तीनों लड़कों को भी देखते हैं जो अब इस मॉन्स्टर के करीब आकर पीछे से उसे आग लगाकर टनल से बाहर आ गए। वो मॉन्स्टर आग में जल गया और फाइनली इनका प्लान सक्सेसफुल रहा। इन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया था। इन सबकी जान बच गई थी, ना सिर्फ अपने लिए इन्होंने यहाँ आने वाले आगे सभी लोगों के लिए खतरा खत्म कर दिया था, इसीलिए ये बहुत खुश थे। कहानी के आखिरी सीन में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं जिसने इनसे एक पहेली पूछी थी कि वो ऐसी क्या चीज है जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल देती है। उस टाइम तो इन्हें इस पहेली का जवाब नहीं आया था, लेकिन अब ये लोग समझ गए थे कि वो चीज हिम्मत है जो किसी भी इंसान को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल लेती है। मरते हुए भी ड्राइवर इन्हें बहुत बड़ा सबक दे चुका था जो इनकी लाइफ में बहुत काम आने वाला था। और बस यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।